नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। राजा भैया के राजनीतिक सफर के 25 साल पूरे होने पर 30 नवंबर को राजधानी लखनऊ में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। तैयारियां जोरों पर हैं। राजा भैया के लखनऊ में होने वाली रैली से कई बड़े दिग्गज उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो, इसके लिए राजा भैया और उनके समर्थक ने ताकत झोंक रखी है। यही कारण है कि 30 नवंबर को समर्थकों को लखनऊ लाने के लिए स्पेशल ट्रेन भी बुक कराई गई है। राजा भैया के बेहद करीबी प्रतापगढ़ जिले के बाबागंज से निर्दलीय विधायक विनोद सरोज ने सुल्तानपुर में प्रेस वार्ता कर लोगों से लखनऊ पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का सर्व समाज राजा भैया की ओर बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। सभी को उनके अगले कदम का इंतजार है। विधायक विनोद सरोज ने कहा कि भाजपा समेत कई दल के नेताओं ने उनका उपयोग किया है, जबकि राजा भैया हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम किया है और लोक कल्याण के लिए काम करते आए हैं। हम लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं। लोगों से अपेक्षा है कि 30 नवंबर के लोग भारी संख्या में लखनऊ के रमाबाई मैदान में पहुंचकर राजा भैया के विचारों को सुने। हो सकता है उसी दिन राजा भैया अपना दल या पार्टी के गठन का ऐलान भी कर दें। उन्होंने कहा कि राजा भैया ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। हमारे नेता आदरणीय राजा भैया का राजनीतिक करियर 25 वर्ष हुआ है। उसके उपलक्ष्य में 30 नवंबर को हम लोग लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में रजत जयंती सम्मान समारोह कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के सापेक्ष आप लोगों से निवेदन करने आए हैं कि माननीय राजा भैया के कार्यक्रम में आप लोग सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग लेके आए और यहाँ के क्षेत्र के जो भी सम्मानित लोग हैं और क्षेत्र की जनता, हम उनके बीच में जाएंगे आप लोगों से मिलने के बाद और उनसे भी निवेदन करेंगे कि उस कार्यक्रम में आए और हमारे नेता आदरणीय राजा भैया की बात सुने। अच्छा, ये प्रोग्राम क्या हर जिले में चल रहा है क्या? हर जिले में चल रहा है, प्रदेश के कोने कोने में जितने भी लोग हैं पार्टी प्रदेश में ही है कि अगल, क्योंकि आप अभी उसमें अदर स्टेट से भी लोग आ रहे हैं, जितने भी समर्थक हैं माननीय राजा भैया। कितनी की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे? लाखों लाख की संख्या में होगी। लोगों का यह कहना है कि अभी तक जब राजा भैया ने जो पार्टी बनाई उसका नाम नहीं चयनित किया गया है, तो इसको एक संक्षेप बना हुआ है। पार्टी का नाम चयनित किया गया है। 30 नवंबर को आप लोग आएंगे तो माननीय राजा भैया जो कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अपने मुख से घोषणा करेंगे। अच्छा, इसमें क्या बाहर जो भी क्षेत्र पंचायत सदस्य होंगे या जो भी पार्टी के लिए सदस्यता देंगे उन लोग इसमें सदस्यता ले सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग आके सदस्यता ग्रहण करेंगे। आप राजा भैया काफ़ी करीबी भी हैं, अब बाबागंज से आप विधायक भी हैं, आपका नाम बहुत तेज चल रहा है, चर्चा में चल रहा, नंबर एक पे आप रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? हमारे राजा भैया का आशीर्वाद है, कुंवर अक्षय प्रताप सिंह गोपाल भैया जो कि हमारे जिले के MLC हैं उनका भी आशीर्वाद है, क्षेत्र की सम्मानित जनता कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है कि हम लोग हमेशा जनसेवा में लोगों के बीच में रहते हैं। माननीय राजा भैया का आशीर्वाद है। नहीं, अगर आपकी पार्टी बनी तो आप किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं समाज में? क्या एजेंडा आपका क्या है? एजेंडा माननीय राजा भैया उसी दिन घोषणा करेंगे। हम चाहेंगे आज आप मीडिया के सामने आए हैं, क्या सवाल है, क्या मतलब मीडिया जानना चाहती है कि किस तरीके की राजनीति या किस तरीके का, जिस तरीके से आज अपराध है बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है या शिक्षा के साथ गलत हो रहा है, कि सही हो रहा है, किस तरीके की राजनीति आप लेके चलना चाहेंगे? हमारे माननीय राजा भैया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी एक विचारधारा है कि हम किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और खास करके जो महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न हो रहे हैं, इन सभी बातों के लेके हमारी पार्टी काम करेगी और विस्तृत रूप से माननीय राजा भैया 30 नवंबर को आपके बीच में बन रहे हैं, सभी वर्ग के लिए हम काम करेंगे। थैंक यू। हम आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी से रिश्ते खराब होने के बाद राजा भैया ने अलग दल बनाने की राह चुन ली है। उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम जनसत्ता दल रखा है। पार्टी का झंडा भी जारी कर दिया गया है। झंडे में हरे और पीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। नए दल की आधिकारिक घोषणा के वक्त ही राजा भैया ने साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिलहाल लाइव प्रतापगढ़ में इतना ही। बाकी इसी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें।